तो हे व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम बैक टू माय सुरेश रेडिंग जोन चैनल। तो गाइस मैंने लाइट रूम ऐप को ओपन कर लिया हूँ एंड यहाँ से इसमें जाऊँगा ऑल फोटोज़ में, ठीक है। एंड गाइस मैंने मॉडल और प्रीसेट को पहले से ही ऐड करके रखा हुआ है, ठीक है। एंड गाइस इस तरीके की एडिटिंग करने के लिए आप लोगों को कुछ इस तरीके से फ़ोटो क्लिक करा लेना है, ठीक है। एंड ब्लैक शर्ट या कुछ भी पहन लेना है ब्लैक कलर का, ठीक है। तो चलिए यहाँ से गाइस हम प्रीसेट को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ से गाइस हम जाएंगे थ्री डॉट में और यहाँ से कर लेंगे हम कॉपी सेटिंग और यहाँ पे सेलेक्ट में एंड यहाँ पे ऑल में, ठीक है। और यहाँ से इसका मैं डन कर लेता हूँ गाइस और अपने मॉडल को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ से इसमें जाऊँगा फिर से थ्री डॉट में एंड यहाँ से कर लूँगा मैं पेस्ट सेटिंग, ठीक है। तो देख सकते हैं गाइस कितना गजब का कलर आ चुका है इसमें, मतलब पूरा ब्लैक हो चुका है। एंड गाइस मैंने इस ब्लैक कलर को कैसे किया है ये आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इसमें जाऊँगा सिलेक्टिव टूल में और यहाँ से गाइस आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो इस वाले में मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ से इसमें जाऊँगा लाइट वाला टूल में और यहाँ से इसकी एक्सपोजर को मैंने पूरा डाउन करके रखा हुआ है, ठीक है, मतलब पूरा माइनस करके रखा हुआ है और कॉन्ट्रास्ट को भी एंड वाइट और ब्लैक को भी, ठीक है। और सेम मैंने इसको भी किया है, ठीक है, एक्सपोजर को माइनस किया हूँ वाइट्स को और ब्लैक्स को, ठीक है। एंड यहाँ से इसको मैं डन कर लेता हूँ गाइस और इस पिक को मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है, इस शेयर वाले बटन में जाकर एंड यहाँ से सेव टू डिवाइस, ठीक है। एंड गाइस इस मॉडल को मैं शेयर कर लेता हूँ ऑटोडेस्क स्केच बुक में, ठीक है। तो गाइस यहाँ से मैं जाऊँगा शेयर में और इसको ऑटोडेस्क स्केच बुक में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। एंड गाइस जो हमारा मॉडल गाइस ऑटोडेस्क स्केच बुक में ओपन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से गाइस मैं जाऊँगा सबसे पहले तो इस सेकंड वाले आइकन में एंड यहाँ से इम्पोर्ट इमेज करके अपने पीएनजी को यहाँ से इसमें ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो गाइस हमारा पीएनजी ऐड हो चुका है, ठीक है। तो इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ अपने अकॉर्डिंग, तो मेरे ख्याल से इतना ठीक रहेगा। एंड यहाँ से इसको मैं डन कर लेता हूँ। डन करने के बाद गाइस हमें जाना होगा लेयर वाले पैनल में और इसी लेयर में हमें एक बार टैप करना है और यहाँ से इसके ब्लेंडिंग मोड को मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से रख लूँगा मैं हार्ड लाइटिंग, ठीक है, मतलब हार्ड लाइट में रख लेता हूँ। एंड यहाँ से इसको मैं कट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और इसमें जाऊँगा फिर से इस थर्ड वाले आइकन में, ठीक है। एंड यहाँ से इरेजर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर लिखा है लेगेसी, ठीक है। एंड इरेजर को मैंने सेलेक्ट कर लिया हूँ और यहाँ से मैं आप लोगों को सेटिंग दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इसकी साइज़ को मैं कुछ इतना रख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से इसको मैं कट कर दे रहा हूँ एंड फेस पे जो जो पार्ट आ रहा है उसको मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अपने अकॉर्डिंग इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। एंड गाइस यहाँ से मैं जाऊँगा फिर से सेकंड वाले आइकन में और यहाँ से इंपोर्ट इमेज कर लेता हूँ फिर से, ठीक है। एंड गाइस जो हमारा पीएनजी गाइस ऐड हो गया, ठीक है। एंड यहाँ से इसको मैं डन कर लेता हूँ और गाइस मैं जाऊँगा फिर से लेयर वाले पैनल में और इसी लेयर में एक बार मैं टैप करूँगा, ठीक है। एंड इसके ब्लेंडिंग मोड को मैं चेंज कर लूँगा, रख लूँगा यहाँ से हार्ड लाइट में, ठीक है। और यहाँ से इसको मैं कट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और गाइस मैं जाऊँगा सेकेंड वाले आइकन में एंड यहाँ से इसको मैं ट्रांसफॉर्म कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना ठीक रहेगा। एंड यहाँ से इसको मैं डन कर लेता हूँ गाइस और इस लेयर को मैं इस लेयर के नीचे लेकर आता हूँ, ठीक है, कुछ इतना। एंड यहाँ से इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इरेजर वाला पहले से ही सेलेक्ट है तो यहाँ से मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। एंड गाइस जो फेस पे आ रहा था उसको मैंने इरेज कर लिया हूँ, ठीक है। एंड यहाँ से मैं जाऊँगा लेयर वाले पैनल में और इस फर्स्ट वाला लेयर में क्लिक कर लेता हूँ एंड यहाँ से इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ से हो गया गाइस एंड इस पिक को मैं सेव कर लेता हूँ गाइस, ठीक है। तो यहाँ से जाऊँगा मैं फर्स्ट वाले आइकन में एंड यहाँ से शेयर एंड यहाँ से सेव टू डिवाइस, ठीक है।